तो नागौर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का विवादित बयान, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर सवाल किए हैं और भारत रत्न तो मरे हुए को देते हैं। सुखजिंदर रंधावा का यह बड़ा बयान सामने आया है। नागौर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि नागौर दौरे के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ऐसा बयान दे दिया जिससे अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल रंधावा ने भाषण के दौरान नागौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत रत्न तो मरे हुए व्यक्ति को दिया जाता है और बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दे दिया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा नागौर के कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। अगर इनको इतना ही राम मंदिर का था तो आडवाणी जी को साथ लेकर जाते, जो पहले जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी उनको तो कह दिया ये जी भारत रत्न दे दो, भारत रत्न तो मरे हुए को दिया जाता है। अगर इनको इतना ही राम मंदिर का था तो आडवाणी जी को साथ लेकर जाते, जो पहले जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी उनको तो कह दिया ये जी भारत रत्न दे दो, भारत